नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इजी इंग्लिश विथ आरवी सर में। और आज इस वीडियो में ओड टू ऑटम जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया बिहार बोर्ड 12th इंग्लिश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोएम का मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ। लाइन बाय लाइन डिस्कशन आपको करके यहाँ पे मिलेगा और वो भी हिंदी में बिल्कुल ईजी भाषा में मिलेगा। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहे और देर ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समरी भी आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, मंजिल के इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है, सारा आसमान बाकी है। तो चलिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण पोएम ओड टू ऑटम का मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। ओड का मतलब क्या होता है और ऑटम, ऑटम एक सीजन है, ऑटम क्या है, एक सीजन है। अब ओड टू ऑटम जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया एक बहुत ही खूबसूरत पोएम है और जॉन किट्स को एक रोमांटिक पोएट्स के मतलब महानतम कवि थे। अब जॉन किट्स ने ऑटम सीजन पे क्यों लिखने का निर्णय किया, क्योंकि आज तक जितना भी कवि थे वो बसंत ऋतु पर लिखा करते थे। बसंत ऋतु जिन्हें ऋतुओं का राजा माना जाता है, तीनों ने निर्णय लिया कि बसंत पे तो सब लोग लिखते ही हैं, बसंत का सभी व्याख्यान गात करते ही हैं चूँकि वो ऋतुओं का राजा है, चलो हम ऑटम सीजन का वर्णन करते हैं। इसीलिए इनको महान कवि का दर्जा भी मिला है कि लोगों से हटकर काम किए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं ओड टू ऑटम। जॉन किट्स का जन्म कब हुआ, 1795 में हुआ और 1821 में इनकी क्या हो गई, देहांत हो गई। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ इंग्लिश रोमांटिक पोएट्स, और जॉन किट्स महान रोमांटिक कवियों में से क्या थे, एक थे। वन ऑफ द महान रोमांटिक कवियों में से क्या थे, एक थे। वाज बॉर्न एट मूनफील्ड्स लंदन, जिनका जन्म लंदन। ही स्टडी एट क्लार्स स्कूल एट इनफील्ड, उन्होंने क्लार्स स्कूल इनफील्ड में शिक्षा ग्रहण किए। डीपली इंटरेस्टेड इन क्रिकेट एंड बॉक्सिंग, डीपली का मतलब होता है गहरी रुचि होना, इंटरेस्टेड का मतलब होता है रुचि होना। उनकी गहरी रुचि थी और वो किस खेल में गहरी रुचि थी, तो क्रिकेट और बॉक्सिंग में थी। क्रिकेट और बॉक्सिंग करने का मतलब हो गया मुक्केबाजी। तो उनका जो बचपन से शौक था वो कौन सा खेल का था, क्रिकेट का था और मुक्केबाजी का था। ही ग्रीव इन टू अभोरेसियस रीडर स्पेशली ऑफ ग्रीक मेथोलॉजी। यहाँ पे देखिएगा एक वर्ड है भोरेसियस, भोरेसियस का मतलब होता है भूखा, पेटू, जिसको मन नहीं भरता है खाना खाने से। यहाँ पर रीडर हैं तो बोल रहे हैं कि वह एक भूखड़ रीडर थे, पेटू थे, मतलब पढ़ने से इनको मन नहीं भरता था। सोचिए हम लोग को जरा सा पढ़ते हैं तुरंत नींद आने लगता है, और इनको पढ़ने से पेट नहीं भरता था। वह विशेष रूप से और ग्रीक मैथोलॉजी, माइथोलॉजी कहने का मतलब हो गया पौराणिक कथा, ग्रीक के पौराणिक कथा, जैसे हम लोग के भी पौराणिक कथा है ना, महाभारत रामायण ये सब जो हम लोग सुनते हैं पुराणों से सुन रहे हैं वेद ये सब। तो कहने का यहाँ अर्थ हो गया कि वह विशेष रूप से पौराणिक कथाओं में एक महान पाठक के रूप में उभरे। रीडर का मतलब क्या होता है, पाठक। एक वो ग्रीक के पौराणिक कथाओं का एक क्या थे, महान पाठक थे, पढ़ने वाले थे। ही इवन स्टार्टेड ए ट्रांसलेटर ऑफ वर्जिल्स एनिड, उन्होंने क्या किए हैं, तो वे विर्गिल के एनिड, लैटिन काव्य अर्थात लैटिन कविता, ये लैटिन कविता है, के अनुवाद भी शुरू किया। विर्गिल एनिड्स एक क्या है, लैटिन कविता है, जिसका अनुवाद इन्होंने अपने इंग्लिश में करना चालू किए थे। हिज एम्बिशन टू बिकम अ पोएट, एम्बिशन कहने का मतलब हो गया लक्ष्य, उनका लक्ष्य कवि बनने का कब मतलब मन में जागा कि हमको कवि बनना चाहिए। ऐसे तो वो क्रिकेट और बॉक्सिंग में रुचि रखते थे, तो क्रिकेट से रुचि हटकर एक कवि बनने का कैसे हो गया, जरूर कहीं ना कहीं कुछ प्रेरणा मिला होगा कि तब हम कभी क्यों उनको मन किया होगा बनने का। तो हिज एम्बिशन टू बिकम ए पोएट वाज फायर्ड बाय हिज फर्स्ट एक्वेंटेंस विथ स्पेंसर फेरी क्यून। एडमंड स्पेंसर एक
बहुत बड़े लेखक और कवि थे। उनका फेरी क्यून एक बहुत बड़ा ग्रेट वर्क था, तो उनके अंदर कवि बनने की जो इच्छा जागी, फायर हुई, मतलब उनके आग लगे उनके दिल में कि कवि एक बनना है। तो उनके अंदर कवि बनने की जो इच्छा हुआ स्पेंसर के फेरी क्यून से परिचित होने के बाद, एक्वेंटेंस का मतलब होता है परिचित होना, तो जो फेरी क्यून उनका वर्क था एडमंड स्पेंसर का, उस किताब को पढ़े, उस जो कहानी था जो कविता था उसको पढ़े, उनके फेरी क्यून को प्रयोग की कहानी वाला, और उसके बाद इनके मन में आशा मन में इच्छा जाएगा कि नहीं हमको कवि बनना चाहिए। तो इनका एडमंड स्पेंसर मान सकते हैं कि इनका क्या थे कवि बनने का योर जो इनका अपना थॉट डेवलप हुआ कि हम कवि बनेंगे, तो इसके पीछे एडमंड स्पेंसर का जो वर्क है फेरी क्यून था, हिज फर्स्ट पोएम। और इनका जो पहला पोएम भी आया, हिज फर्स्ट पोएम हिज फर्स्ट पोएम लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर वाज पब्लिश्ड इन 1814। और इनका जो पहला कविता आया, उनकी कविता का पहला जो खंड आया वो लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर 1814 में प्रकाशित हुआ। कविता का नाम भी दिया इमिटेशन, इमिटेशन का मतलब होता है नकल, और स्पेंसर के नकल के मतलब किए हुए लाइन्स में उनका कविता पब्लिश हुआ। हिज फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएट्री इंटाइटल्ड पोएम्स वाज पब्लिश्ड इन 1817। और उनका जो पहला कविता का जो खंड था, शीर्षक था, वो क्या था, पोएम्स, जो पोएम्स था 1817 में प्रकाशित हुआ। हिज पोएम एंडिमियंस, उनका जो कविता था एंडिमियन, यही हम लोग को पूछ रहा है बार बार कि एंडिमियन के राइटर कौन है, पूछा उधर बार बार, आप दो मॉडल सेट किए हैं तो उसमें एंडिमियन का चर्चा आया है। बाज वेल अप्रिशिएटेड बाय वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ जो एक रोमांटिक युग के महान कवि थे, इनको मार्गदर्शक बोला जाता है यही, तो इनका एक जो कविता था एंडिमियन, महान कवि नेचर के विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा प्रशंसित किया गया, अप्रिशिएट किया गया। इट वाज पब्लिश इन 1818। और जो एंडिमियन इनका वर्क था वो कब पब्लिश हुआ, 1818 में। हिज ओड्स ऑन एडोलेसेंस, और उनका एक और कविता गीतात्मक काव्य ऑन इंडोलेंस, क्या कविता का नाम है, ऑन इंडोलेंस, ऑन ए ग्रेसियन अर्न टू साइक टू ए नाइटिंगेल ऑन मेलनकोली और टू ऑटम मेड हिम ए ग्रेट रोमांटिक पोएट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। एंडिमियन तो इनके विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा प्रशंसित किया गया, बहुत प्रशंसा वो किए इसको, जो 1818 में पब्लिश हुआ। फिर उसके बाद उनका कुछ ऑड्स आया, ऑड्स का मतलब होता है गीतात्मक काव्य, ऑन इंडोलेंस जो आया, ऑन ग्रेसियन आया, अर्न टू साइक आया, टू ओट टू नाइटिंगल आया, टू अ नाइटिंगल आया, और ऑन मेलनकोली, ओड टू ऑटम, अंग्रेजी साहित्य का महान रोमांटिक कवि बना दिया इनको, अंग्रेजी साहित्य का महान रोमांटिक कवि बना दिया इनको। सो डीड लामिया एंड हैपेरियंस, और इसीलिए और उसी तरह इनको लामिया और हाइपेरियन की रचना किए। ये सब पूछ रहा है बार बार, उधर पूछ रहा है कि टू नाइटिंगल कौन लिखे हैं, एंडिमियन कौन लिखे हैं, पूछेगा लामिया एंड हाइपेरियन कौन लिखे हैं, तो सब जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया एक पोएम है। ही डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, इनकी मृत्यु हो जाती है ट्यूबरक्लोसिस से, ट्यूबरक्लोसिस टीबी का बीमारी जिसको हम लोग जानते हैं। वह 1821 में 26 वर्ष की आयु में, एट द एज ऑफ 16, 26 वर्ष की आयु में ट्यूबरक्लोसिस से मर गए, बट विद इन हिज शॉर्ट स्पैन ऑफ लाइफ, लेकिन उन्होंने जीवन के इस छोटे अंतराल के भीतर अचीव्ड, ही वॉज एबल टू अचीव ग्रेटनेस, उसने महानता को हासिल किया। जीवन का इनका बहुत छोटा अवधि था, मात्र 26 वर्ष की आयु में ट्यूबरक्लोसिस नामक बीमारी से इनकी मौत हो जाती है, लेकिन जीवन के इस छोटे से अवधि में इन्होंने महानता को क्या कर लिया, हासिल कर लिया। आज तक ना हम लोग इनको पढ़ रहे हैं मात्र 26 साल की उम्र में, बट विद इन द शॉर्ट स्पैन ऑफ लाइफ ही वॉज एबल टू अचीव ग्रेटनेस। हिज पोएम्स एंड लेटर्स
हैव डीप बीनीथ देयर ब्यूटी एंड रिफ्लेक्ट हिज अवेयरनेस ऑफ पेन्स एंड सफरिंग ऑफ लाइफ। चलिए यहाँ से हिज पोएम्स एंड लेटर्स हैव डेप्थ बीनीथ देयर ब्यूटी। उनकी जो कविता थी और उनका जो पत्र था डेप्थ हैव डेप्थ बीनीथ देयर ब्यूटी, उसमें सुंदरता की जड़ को छूती थी। डेप्थ बीनीथ देयर ब्यूटी सुंदरता को जड़ को छूती थी। एंड रिफ्लेक्ट हिज अवेयरनेस, और जीवन की कठिनाइयों तथा पीड़ा को दर्शाती थी। अवेयरनेस ऑफ द पेन्स एंड सफरिंग ऑफ लाइफ, कि जीवन में क्या कठिनाई है, जीवन में क्या पीड़ा है, इसको वो क्या करती थी, उठाती थी। मतलब यहाँ से इस लाइन इस यहाँ से लेकर यहाँ तक का सॉरी ये हो गया अवेयरनेस ऑफ पेन्स ऑफ सफरिंग ऑफ लाइफ का मतलब हो गया कि जो उनकी कविताएँ होती थी और जो पत्र होता था सुंदरता की जड़ को छूती थी। मतलब सुंदरता एकदम उसके नीचे तक रहता था, जड़ का मतलब होता है एकदम बीनीथ डेप्थ गहराई तक, और जीवन की कठिनाइयों तथा पीड़ा को दर्शाती है। उनके अनुसार क्या कहना है, अकॉर्डिंग टू हिम ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर एंड ब्यूटी इज ट्रूथ एंड ट्रूथ इज ब्यूटी। उनके अनुसार एक सुंदर वस्तु हमेशा के लिए किसी व्यक्ति को खुश रखती है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, मतलब एक सुंदर व्यक्ति है जो हमेशा किसी वस्तु को क्या रखती है, किसी व्यक्ति को खुश रखती है। और ब्यूटी इज ट्रूथ एंड ट्रूथ इज ब्यूटी, मतलब कहने का मतलब हो गया सुंदरता ही सत्य है और सत्य ही सुंदरता है, सुंदरता ही सत्य है और सत्य ही सुंदरता है। इन द पोएम ऑड टू ऑटम किड्स डिस्क्राइब द ब्यूटी एंड कैरेक्टरिस्टिक स्पिरिट ऑफ ह्यूमन एंड ए सीरीज ऑफ मेमोरेबल पिक्चर एग्जिबिटिंग द प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी इन नेचर। कविता ओड टू ऑटम में किड्स ने यादगार तस्वीरों की श्रृंखला मेमोरेबल पिक्चर्स यादगार तस्वीरों की श्रृंखला में पतझड़ मौसम की विशेषता और सुंदरता की व्याख्या किया है। इसमें वो पतझड़ मौसम के सुंदरता की व्याख्या किए हैं जो प्रकृति के सुंदरता के सिद्धांत को बताता है, प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी इन नेचर, कि जो हमारा प्रकृति है उसमें कितना सौंदर्यता है, जो हमारा संसार है वो कितना खूबसूरत है, इस चीज़ को उसमें दर्शाया गया है। ओड टू ऑटम, यहाँ से आप देखेंगे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। ओड का मतलब क्या होता है, प्रशंसा, और टू ऑटम का मतलब होता है पतझड़। ओड जो है एक प्रकार का गीत है जो किसी की प्रशंसा में लिखा जाता है, जैसे ओड टू ऑटम का मतलब हो गया पतझड़ की गीत, पतझड़ की प्रशंसा कर रहे हैं। ओड टू नाइटिंगेल रहेगा तो नाइटिंगेल की प्रशंसा करेंगे, ओड टू स्प्रिंग रहेगा तो स्प्रिंग की। तो ओड का मतलब एक ऐसा संगीत, एक ऐसा कविता जो किसी के प्रशंसा में लिखा गया है। तो यहाँ पे ऑटम पतझड़ के प्रशंसा में लिख रहे हैं कवि, और देखेंगे फर्स्ट लाइन क्या कह रहे हैं इसमें। यहाँ से देखिए, ये पूरा एक पैराग्राफ है, ये पूरा एक क्या है, पैराग्राफ है, और इस पैराग्राफ को हम लोग को समझना है। ये पूरा आपका क्या है, एक पैराग्राफ है। यहाँ पर यहाँ से यहाँ क्या कवि कह रहे हैं कि ये जो ऑटम सीजन है उसमें क्या हो सकता है, क्या क्या रहता है, इसकी क्या मतलब प्राकृतिक सौंदर्यता है, क्या इसमें खूबसूरती है। तो कह रहे हैं सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस। मिस्ट का मतलब होता है कोहरा, और सीजन का मतलब होता है मौसम, और मेलो फ्रूटफुलनेस का अर्थ होता है मिठास से भरा हुआ, प्रचुरता। कभी कहते हैं कि यह ऐसा मौसम है ना, कोहरे का मौसम है और फल मिठास से भरा होता है, फल जो होता है ना वो काफ़ी पका होता है। क्लोज बॉसम फ्रंट ऑफ द मैच्योरिंग सन, और यह जो मौसम है ना ये घनिष्ठ दोस्त है, जिगरी दोस्त है। बॉसम फ्रंट का मतलब क्या हो गया, जिगरी दोस्त है, और वो किसका है, परिपक्व होता हुआ सूरज का। परिपक्व का मतलब होता है कि वो मानसिक तौर से शारीरिक तौर से
क्या हो गया, मतलब अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ जाना। जैसे एक होता है बुजुर्ग, सॉरी एक होता है बच्चा और एक होता है परिपक्व, तो बच्चा का दिमाग उतना अच्छा नहीं रहता जितना परिपक्वता, परिपक्वता का मतलब हो गया ओल्डनेस। तो बोल रहे हैं कि यह जो मौसम है वो किसका घनिष्ठ मित्र है, तो मैच्योरिंग सन का, परिपक्व हुआ सूरज का। अब परिपक्व हुआ सूरज कहने का मतलब क्या हो गया, देखिए कभी क्या कहना चाह रहे हैं कि ठंडा के दिन में जो सूरज होता है ना, देखिएगा वो बच्चा हो जाता है, चाइल्ड हो जाता है। देखिए कितना मतलब उसकी रोशनी से भी लोगों को मतलब आनंद मिलता है, जैसे एक बच्चा के साथ हम खेलते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे ये सूरज मैच्योर हो जाता है और गर्मी के दिन में देखेंगे पूरी तरह अपने मैच्योर अवस्था में रहता है। देखेंगे कि वो उसका दिन भी उस समय बड़ा हो जाता है एकदम, देखिएगा आप सूरज के डूबने का और उगने का समय देखेंगे, तो उस समय सूरज गर्मी के दिन में वो क्या हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है। तो बोल रहे हैं कि जो ऑटम सीजन है इस चीज़ का संकेत है कि अब सूरज क्या होने वाला है, मैच्योर होने वाला है, सूरज में परिपक्वता आ रहा है। यह कहने का ये अर्थ हो गया कि ये मौसम जो है कोहरे का मौसम है, फल और मिठास से भरा होता है, परिपक्व होता हुआ सूरज का क्या है, जिगरी दोस्त है। फिर कह रहा है कि कॉन्स्पायरिंग विथ हिम टू लोड एंड ब्लेस, कॉन्स्पायर का मतलब होता है षड्यंत्र करना, योजना बनाना। तो कहते हैं उसके साथ योजना बनाता है, किसके साथ, सूरज के साथ मिलकर कॉन्स्पायर करता है, कॉन्स्पायर करने का मतलब हो गया योजना बनाना। तो जो ऑटम सीजन है वो सूरज के साथ योजना बनाता है कि कैसे मिठास भरा जाए, हाउ टू लोड एंड ब्लेस विथ फ्रूट द बाइंस दैट राउंड द थैच इब्स रन। थैच का मतलब होता है फूस का छप्पर और इब्स का मतलब होता है ओलती, जो मिट्टी से आगे हम लोग निकाल देते हैं फूस के दीवार, जैसे मिट्टी का दीवार है उस पर फूस अगर छत्ता चढ़ाते हैं, फूस ऊपर से मतलब छप्पर देते हैं तो आगे थोड़ा सा निकाल देते हैं, उसको इब्स बोलते हैं, ओलती व हारी अलग अलग भाषा में लोग बोलते हैं उसको। तो कह रहे हैं कि ये जो ऑटम सीजन है सूरज के साथ मिलकर क्या बनाता है, योजना बनाता है। योजना क्या बताता है कि कैसे मिठास भरा जाए और आशीर्वाद दिया जाए, कैसे मिठास भरा जाए और आशीर्वाद दिया जाए, लताओं को फल से लाद के छप्पर के चारों ओर फैला दिया जाए। ये योजना बनाता है कि जो लता है फ्रूट द माइंस दैट राउंड द थैच ईव से, जो अंगूर का लता है या किसी भी सब्जी है या किसी भी फल फूल का जो लता है उसको पूरा छप्पर पर क्या करो, फैला दो। ये योजना बनाता है, छप्पर को चारों ओर फैला देती है। और टू बेंड विथ एपल्स मॉस डी कॉटेज ट्री, और सेबों के पेड़ को सेब से झुका दो, कॉटेज एपल्स द मॉस्ट कॉटेज ट्री का मतलब होता है सेब का पेड़, सेब का पेड़ है ना उसमें इतना सेब लगा दो कि वो पेड़ क्या हो जाए, फल से झुक जाए। इस सारा योजना बनाता है ऑटम सीजन सूरज के साथ मिलकर, परिपक्व होता हुआ सूरज के। एंड फिल ए फ्रूट विथ रिफनेस टू द कोर, और सभी फलों को भीतर तक भर कर पका दो, मिठास भर दो, कोर का मतलब होता है अंतिम एकदम नीचे तक। तो बोल रहे हैं कि ये सब योजना बनाता है टू स्वेल द गॉड, और गॉड का मतलब होता है कद्दू, और कद्दू को बड़ा कर दो और गुदेदार कर दो। एंड प्लम द हेजल सेल्स, और हेजल सेल्स कहने का मतलब हो गया अखरोट, और अखरोट के जो है उस अखरोट के उसके छिलके तक पका दो, मतलब एकदम पूरी तरह से उसको पका दो। विथ ए स्वीट कर्नेल, जिसका कर्नेल का मतलब होता है बीज, जिसका एकदम कर्नेल जो हो वो क्या हो, मीठा हो जाए। हम लोग जानते हैं कि अखरोट का बीज खाते हैं। टू सेट बडिंग मोर, और क्या करो, अधिक से अधिक कलियों को खिला दो, और बाद में एंड स्टील मोर लेटर फ्लावर्स फॉर द बीज, और कलियों को खिलाने के बाद फूलों को मधुमक्खियों को दे दो, इतना कर दो बडिंग कर दो कि मधुमक्खी भी उससे फूल से जूस को इकट्ठा करके वो क्या करे कि जब तक वो फूलों को मधुमक्खी ले जाएगी और उससे वो क्या बनाएगी, बीज बनाएगी मधुमक्खी, हनी। और अनटिल दे थिंक
बार्म डेज विल नेवर सीज, जब तक मधुमक्खी एक कभी नहीं सोचते कि गर्मी खत्म होगा। क्या होगा? बार्म डे विल सीज, खत्म होगा। फॉर समर हैज ओ व्रीम डी देयर क्लैमजी सेल, और इन गर्मियों में मधुमक्खियों का जो छत्ता होगा वो लबालब शहद से क्या हो जाएगा, भर जाएगा। तो इतना पैराग्राफ में कवि बोले कि जो ऑटम सीजन है उसका मंशा क्या होता है। तो ऑटम सीजन का जो इरादा रहता है वो सूरज के साथ मिलकर जितना भी पेड़ पौधे हैं सब में बोलता है कि फल फूल लगा, भर दो उसको, मिठास से भर दो, ताकि इस सीजन का महत्व क्या हो जाए, बढ़ जाए। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में कवि ये बताते हैं कि जिसने कहा कि ऑटम सीजन कहाँ रहता है, ऑटम सीजन कब आता है, उसको बोल रहे हैं, हु हैथ नॉट सीन दी ऑफ्ट अमिड द स्टोर, समटाइम्स हुएवर सीक एब्रोड में फाइंड दी सिटिंग केयरलेस ऑन ग्रेनरी फ्लोर। ग्रेनरी का मतलब होता है खेत खलिहान, और अमिड का अर्थ होता है के बीच में, ग्रेनरी का मतलब खेत खलिहान। तो कवि कहते हैं कि किसने तुमको नहीं देखा, हु हैज नॉट, मतलब हु हैज नॉट सीन, ये पुराना इंग्लिश में हैज को हैज लिखते थे, तुमको किसने नहीं देखा, स्टोर यानी गोदाम के पास नहीं देखा। कभी कभी जो कोई बाहर खोजता है तुम्हें पा सकता है, बाहर भी तुम मिल सकते हो, तुम अनाजों वाले फर्श पर बेपरवाह केयरलेस बैठे रहते हो। यानी कभी कह रहे हैं कि ऑटम सीजन अगर देखना है तुम खेत खलिहान में भी देख सकते हो, घर में भी देख सकते हो, अनाजों का भंडार होता है इस सीजन में। अब तुम समझ जाओ कि अगर अनाजों का भंडार है तो ये ऑटम सीजन है। थाई दाई हेयर सॉफ्ट लिफ्टेड बाई द बिनोइंग विंड, बिनोइंग विंड कहने का मतलब हो गया जो हवा होता है जिसमें हम लोग ओसौनी करते हैं। मान ली धान है तो तेज हवा में उसको हम लोग क्या करते हैं, ओसौनी करते हैं। तो बोलते हैं कि ताई हेयर सॉफ्ट लिफ्टेड बाई द बिनोइंग विंड और ऑन ए हाल्फ रीफ डी फरो साउंड स्लीप, तुम अनाज वाले फर्शों पर बेपरवाह बैठे रहते हो और जोर से बहती हुई हवाओं में तुम्हारे बाल थोड़ा उठ जाते हैं। तो तुम्हारे बाल थोड़ा उठ जाते हैं कहने का मतलब हो गया कि जो हम लोग किसी भी अनाज का ओसौनी करते हैं तो उसके जो छिलके होते हैं हल्के हल्के वो उड़ जाते हैं और जो अनाज होता है वो नीचे गिर जाता है। तो कभी यही कह रहे हैं यहाँ पे कि जो वो थोड़ा सा बाल तुम्हारा क्या होता है, उठ जाता है, या आधे कटे हुए सोए फसल पर, या तुमको कहाँ हाफ रिप्ड डी फरो साउंड स्लीप, मतलब आधे, इस लाइन का मतलब क्या हो गया, आधे कटे हुए फसल पर, और कहाँ तुम देखे जा सकते हो, आधे फटे हुए कटे हुए फसल पर, और ड्रॉज विद द फ्यूम ऑफ पप्पीज, पप्पीज के मदहोश सुगंध, पप्पीज एक फूल है रेड कलर का जो होता है, और कहाँ तुमको देखा जा सकता है, पप्पीज के मदहोश सुगंध पर, वाइल दाई हुक्स स्पेयर द नेक्स्ट स्वैथ एंड ऑल इट्स ट्विंड फ्लावर्स, और कहाँ तुमको देखा जा सकता है, जब तुम्हारा हसिया, हसिया मतलब हसुआ, फूलों की अगली कतार छोड़कर चलती है, उस जगह पे तुमको देखा जा सकता है, एंड सिम्पटम लाइक ग्लीनर थाउट डॉस्ट कीप स्टडी द लैडेन हेड अक्रॉस ए ब्रूक, और कभी कभी फसल इकट्ठा करने वाले के जैसे रूप में देखा जा सकता है, फसल इकट्ठा करने वाला जैसे किसान के रूप में भी देखा जा सकता है तुमको, और अपने सिर पर रख कर छोटे छोटे नाले को पार करता हुआ, अगर कोई लेडीज है, कोई महिला है, या कोई भी बोझा ढो रहा है व्यक्ति, तो उस अवस्था में तुमको देखा जा सकता है, लैडेन हेड अक्रॉस ए ब्रूक, और बाई ए साइडर प्रेस, साइडर प्रेस एक मशीन होता है जिससे हम लोग जूस निकालते हैं सेब का, और तुमको कहाँ देखा जा सकता है, साइडर प्रेस जूस निकालने वाले मशीन के साथ देखा जा सकता है, विथ पेशेंट लुक, साथ धैर्यतापूर्वक देखती हो, मतलब अगर कोई जूस निकालने वाला मशीन है वहाँ पे तुमको देखा जा सकता है, ताउ बाचेज द लास्ट ओजिंग आवर्स बाई आवर्स, और तुम घंटों तक जूस की बूंदों को निकलते हुए क्या करती हो, देखती हो। मतलब कवि कह रहे हैं कि जो ऑटम सीजन है वो आपको कहाँ मिलेगा, खेत खलिहान में मिलेगा, आपको देखेंगे कि खेत में किसान काम करते रहेंगे, माथा पर बोझा ढोते रहेंगे, उनके खेत खलिहान में अनाजों का भंडार रहेगा, इस सीजन में क्या होगा, तो ओसौनी होगा, कुछ फसल काटे जाएंगे, कुछ फूल रहेंगे, ये सारे चीज़ हैं इस सीजन में आपको मिलेंगे,
फलों के दुकान पर जूस निकालने वाले मशीन के पास सेब काफ़ी मिलेंगे और ये सब चीज़ कब मिलेंगे, ऑटम सीजन में मिलेंगे। तो ये ऑटम सीजन को देखने का एक देखा, जिससे कैसे हम लोग गर्मी के दिन आते ही लगता है कि अब आम आ जाएगा, ठीक उसी तरह से अब देखेंगे इस पोएम में लास्ट में कवि जो हैं वो क्या कर रहे हैं कि जो ऑटम सीजन है उसकी डायरेक्ट तुलना कर रहे हैं, और वो डायरेक्ट तुलना किससे कर रहे हैं, स्प्रिंग से कर रहे हैं। और ये लाइन बहुत पूछता है, वेयर आर द सॉन्ग ऑफ स्प्रिंग, वेयर आर दे, इसको एक्सप्लेन करने के लिए भी पूछ देगा इसको, और कभी कभी आपको ये भी पूछ देगा कि कौन सा पोएम से लिया गया है। तो दोनों ये लाइन को हमको याद रखना है। कह रहे हैं कि वेयर आर द सॉन्ग ऑफ स्प्रिंग, वेयर आर दे, थिंक नॉट ऑफ देम, थाउ हैस्ट थाई म्यूजिक टू। कभी कहते हैं बसंत के गाने कहाँ हैं, अरे वो कहाँ हैं, उसके बारे में मत सोचो, थिंक नॉट ऑफ देम, थाउ हैस्ट थाई म्यूजिक टू, तुम्हारे पास भी तो संगीत है। ये किसको कह रहे हैं, ऑटम सीजन को कह रहे हैं कि तुम बसंत की बात करते हो, बसंत के गाने कहाँ हैं रे, अरे वे कहाँ हैं, उसके बारे में तुम क्यों सोचते हो, तुम्हारे पास भी तो संगीत है यार। वाइल वेरेड क्लॉट्स बैल ब्लूम द सॉफ्ट डाइंग डे, जब बादल के छोटे छोटे टुकड़े संध्या के समय चमक उठते हैं, ब्लूम क्लॉट्स चमक उठते हैं, तो मानो दिन बहुत अच्छा से गुजरता है। सॉफ्ट डाइंग डे का मतलब होता है बहुत अच्छा से दिन गुजरना। एंड टच द स्टेबल प्लेन्स विथ द रोजी ह्यू, और अस्टबल कहने का मतलब हो गया खुट्टी, जो खेत का मैदान होता है, अनाज काटते हैं, जो कुछ बच जाता है उसको क्या कहते हैं, खुट्टी। और जब बादल के छोटे छोटे टुकड़े संध्या के समय चमक उठते हैं, और जब खुट्टी यानी ठुड्डी मैदान को स्पर्श करता है, तो वह गुलाबी रंग में चमकने लगता है। कितना बढ़िया म्यूजिक है, रोजी ह्यू, गुलाबी रंग में वो क्या होने लगता है, चमकने लगता है। देन इन बेलफुल कोर द स्मॉल गेंट्स मोर, कोर का मतलब होता है संगीत मंडली, तब छोटे छोटे तितलियाँ एक साथ मिलकर शोक गीत गाती है। मौन का मतलब होता है शोक गीत गाना, विलाप करना। और एमंग द रिवर्स स्वेलो बॉर्न अलॉफ्ट, और नदियों के बीचों बीच ऊपर उठता हुआ या डूबता हुआ, हल्की हवाएं चलती है या रुक जाती है, हल्की हवाएं चलती हैं या रुक जाती है। एमंग द रिवर्स स्वेलोज बॉर्न अलॉफ्ट, नदियों के बीचों बीच ऊपर उठता हुआ या डूबता हुआ, हल्की हवाएं चलती है या रुक जाती है। और सिंकिंग एज द लाइट विंड लिप्स और डाइज, और वो क्या होती है, खुशी परस्ती, तो मतलब वहाँ पे हवाएं हैं जो क्या होगी, डूबेगी, हवाएं हैं जो रुकेगी, हवाएं हैं जो चलती रहेगी। और एंड फुल ग्रोन लैम्स लॉर्ड ब्लीट फ्रॉम हिली बॉर्न, और बड़े बड़े बच्चे, मेमने के बच्चे पहाड़ की वादियों से चिल्लाते हैं, मिमियाते हैं, तो मानो कि बहुत दिल खुश हो जाता है, और यही तुम्हारा संगीत है। हेज क्रिकेट्स, हेज मतलब झिंगुर, झिंगुर गाते हैं, एक प्रकार का कीड़ा है। एंड नाउ विथ ट्रिबल सॉफ्ट, और मधुर आवाज के साथ, द रेड ब्रेस्ट व्हिसिल फ्रॉम द गार्डन क्रॉप, रेड व्हिसिल रॉबिन पक्षी होता है जिसका गला के पास क्या रहता है, लाल रहता है, और रॉबिन पक्षी बगीचे की ओर से क्या बजाते हैं, व्हिसिल करते हैं, सीटी बजाते हैं। और स्वेलोज मतलब अविवल जो पक्षी है, आकाश में एकजुट होकर क्या करती है, चहकती है। एंड गैदरिंग स्वेलोज ट्विटर इन द स्काई, ट्विटर मतलब चहकना इन द स्काई, और आकाश में क्या करते हैं, चहकते हैं। तो ये पोएम्स का तीन पार्ट था। पहले पार्ट में कवि क्या बोले, तो पहले पार्ट में बोल रहे हैं कि ऑटम सीजन क्या प्लान बनाता है, तो सूरज के साथ मिलकर प्लान बनाता है कि फलों को, जितना भी फसल है उस सब को कैसे भर दिया जाए, पहला। और दूसरा में बोलते हैं कि ऑटम सीजन कहाँ मिलेगा, कैसे हम लोग को पता चलेगा कि ऑटम सीजन है। और लास्ट में जो थर्ड पैराग्राफ है उसमें वो सीधे डायरेक्ट तुलना कर देते हैं स्प्रिंग सीजन से, किसको, ऑटम सीजन को, और कहते हैं कि ऑटम सीजन का अपना संगीत है, ऑटम सीजन का अपना महत्व है, इसलिए स्प्रिंग का रोना धोना छोड़ दो। तो यह एक बहुत ही खूबसूरत सा पोएम। चलिए, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, अपने दोस्तों को साथ शेयर करें,
और सब्सक्राइब जरूर चैनल को करने नोट और बेल नोटिफिकेशन को दबा दें ताकि कोई भी वीडियो आपको सबसे पहले मिले। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।